ये लोग मानवता के दुश्मन है, ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन है, ये लोग संविधान के दुश्मन है, ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और आज उसके खिलाफ जब दिल्ली के अंदर पुलिस, दिल्ली के अंदर बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री पंजाब के भी और दिल्ली के उसमें शामिल हो रहे हैं, सारे विधायक शामिल हो रहे हैं, सारे कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, उनकी बसों को रोका जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको डिटेन करके रखा जा रहा है, आखिर ये प्रजातंत्र को क्यों रोक रहे हैं? आपने देखा एक पत्रकार सुधीर चौधरी, जो आज तक के पत्रकार हैं, या ये कहूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, या ये कहूँ एक घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, आपने सुना उन्होंने क्या कहा हेमंत सोरेन जी के बारे में? तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं, आज की रात काफी मुश्किल होने वाली। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जिस तरह अब से 20, 30 साल पहले एक आदिवासी की तरह जंगलों में रहते थे, उसे उसी तरह रहना चाहिए, उसको लग्जरी लाइफ नहीं मिलनी चाहिए। यानी कितनी घटिया मानसिकता है इन लोगों की आदिवासियों के बारे में, ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के बारे में इनकी मानसिकता इतनी घटिया है। ये सोचते हैं कि जिस तरह अब से 30-40 साल पहले देश में दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग जिस बदहाली में रहते थे, जिस तरह का गुलामी का जीवन जीते थे, वो उसी तरह का गुलामी का जीवन जिए। और दूसरी तरफ खुलेआम ये पत्रकार नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता इन नकली टीवी चैनलों पर बैठकर, चाहे वो आज तक का चैनल हो चाहे दूसरे, चूंकि ये मुख्य मीडिया जो अपने आप को क्लेम करता है, ये बेसिकली मीडिया नहीं रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल हैं, भारतीय जनता पार्टी को फाइनेंशियल मदद देने वाले उद्योगपतियों के चैनल हैं, और ये लोग इनके गुलाम लोग हैं, ये लोग हमारे लोगों को उस तरह आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। अब आपने एक चीज देखी है कि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और देने के बाद उनको 12 घंटे के अंदर दोबारा से शपथ दिला दी, और दूसरी तरफ चेमई सोरेन जी ने 43 विधायकों के साथ परेड करके और एक लेटर के माध्यम से झारखंड के राज्यपाल से निवेदन किया कि आप हमें शपथ दिलाइए, हमारे पास पूरा बहुमत है। लेकिन 2 दिन से ज्यादा हो गए, आखिर झारखंड के राज्यपाल किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन सारे विधायकों को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को टाइम देना चाहते हैं? क्यों सोरेन जी को बुलाकर उनका शपथ ग्रहण क्यों नहीं करवा रहे? आपने देखा चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव होना था, 20 वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास थे और बीजेपी के पास केवल 16 वोट थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर बनना था। लेकिन जिस तरीके से एक बीजेपी के कार्यकर्ता को प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनाकर 8 वोट आम आदमी पार्टी की उन्होंने इनवैलिड कर दी और मेयर बीजेपी का बना लिया, ये कब तक चलेगा ये धोखाधड़ी? ये प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं, ये लोग मानवता के दुश्मन है, ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन है, ये लोग संविधान के दुश्मन है, ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और आज उसके खिलाफ जब दिल्ली के अंदर पुलिस, दिल्ली के अंदर बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री पंजाब के भी और दिल्ली के उसमें शामिल हो रहे हैं, सारे विधायक शामिल हो रहे हैं, सारे कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, उनकी बसों को रोका जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको डिटेन करके रखा जा रहा है, आखिर ये प्रजातंत्र को क्यों रोक रहे हैं? क्या जनता को अधिकार नहीं है संवैधानिक तरीके से इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद करने का? आखिर कब तक चलेगा ये लोकतंत्र की हत्या? देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मोदी जी की तानाशाही को जनता उखाड़ कर फेंक देगी। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, आप शांतिप्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज रखिए, सड़कों पे उतरिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करता हूँ, ये ईवीएम से जीतने वाली सरकार ये दलित विरोधी सरकार है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये गरीबों के विरोध वाली सरकार है जो केवल ईवीएम से जीतती है। इन लोगों जवाब देने का समय आ गया है, सड़क पर उतरने का समय आ गया है, संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सबको सड़क पर उतर कर इस सरकार का जवाब देना होगा। और एक और मैं मांग करता हूं कि इस घटिया मानसिकता वाले पत्रकार सुधीर चौधरी पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके इसको जेल में डालिए, इसकी जगह जेल के अंदर है। ये वही है ना जो ब्लैकमेलिंग के आरोप में जिसने पैसे लिए थे जो जेल गया था और ये दूसरों को सीख दे रहा है, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा, इसके ऊपर जितना ज्यादा हो सके उतना ट्वीट कीजिए, उतना ज्यादा फेसबुक पे डालिए और इस जातिवादी सरकार के खिलाफ
न्यायिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कीजिए।